दोस्तों, तो इस लॉकडाउन ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई है कि नमाज के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तौफीक की ज़रूरत है। और अल्लाह जिस कौम से खफा होता है उससे सजदों की तौफीक भी छीन लेता है दोस्तों। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, खैरियत से तो होना आप सब कुछ। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया, आपने शायद मुझे मिस किया हो या ना हो, कोई है नहीं ऐसा कुछ, पर मैंने आप दोस्तों को बहुत मिस किया है। और दोस्तों, आज से फिर हम आगाज़ करते हैं हमारी चैनल मेरे ब्लॉग का। लॉकडाउन की वजह से हमने कोई वीडियो ना बनाया, वीडियो ना बनाने की सिर्फ एक ही वजह थी, हमारा दोस्तों एक ही कॉल था, अल्लाह के घर पर जाना और अल्लाह वालों के दर पर जाना। और दोस्तों, ये दोनों चीज़ दोनों जगहें बंद थी, इसलिए दिल गवारा नहीं करता था कि वीडियो बनाए। दोस्तों, क्या घर के टेरिस पर खड़े रह के वीडियो बनाए, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमका, दोस्तों मन नहीं होता। पर दोस्तों, आज मुझे लगता है कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई है, तो आज से हमारी चैनल का फिर से आगाज़ करते हैं। आपका दोस्त इमरान और मेरा दोस्त असलम इंशाल्लाह बहुत सारी नई वीडियो आपके लिए लाएंगे और आपको बहुत सारी दरगाहों की भी ज़्यारत कराएंगे। और इंशाल्लाह बहुत नए नए प्रोजेक्ट सोचे हैं, अभी फ़िलहाल बहुत फ्री थे हम, तो हमने यही सोचा है कि आगे क्या करना, वीडियो के अंदर हमारी चैनल को और आगे कैसे प्रोग्रेस करना। और एक बात खास, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब मिलकर आज 1000 प्लस फैमिली हो चुके हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया कि दोस्तों आपने मुझे सराहा, मेरी वीडियो को देखा और हम दोनों की मेहनत को आपने काबिले दीद समझा। दोस्तों, हमने चैनल तो स्टार्ट कर दिया पर कोई एक रास्ता नहीं था हमारे पास कि वो कौन से रास्ते पर हम चले। पर दोस्तों, एक दिल में तमन्ना हम लिए बैठे थे कि अल्लाह वालों के दरबार की ज़्यारत हम सबको करानी है, कि घर बैठे आप अल्लाह वालों के दर की ज़्यारत करो। और दोस्तों, हम तो आसी के ओलिया है कि आज बचपन से ही अलग अलग जगह पर कहां-कहां दूर दूर तक हम अल्लाह वालों के दरबार में जाया करते, तो तब से एक दिली तमन्ना थी कि अल्लाह वालों के दरबार की ज़्यारत हम सबको करानी है। तो दोस्तों, ये YouTube के माध्यम से आज हमने ये काम स्टार्ट किया और अल्लाह के करम से इसमें सक्सेस भी मिली हमको। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही कहना है कि आप कोई भी काम करो, मेहनत और लगन से करो और दिल से करोगे दोस्तों, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये जीवता जागता सबूत है। ये दोस्त, ये हम असलम और इमरान, कि ना कुछ हमारे पास है, ना लैपटॉप है, ना कैमरा है, ना कोई चीज़ है, बस ऐसे ही काम स्टार्ट कर दिया और अल्लाह ने असबाब जगा दिए कि अब ये करना वो करना, ना बोलते आता था ना शूट करते आता था, पर अल्लाह के करम से आज सब हमको बोलते हैं कि भाई आप कौन किस में एडिट करते हो, किस से शूट करते हो, वो अल्लाह के करम है और आप दोस्तों का साथ है। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, आज खास बात मैं फिर कहना चाहूँगा, दोस्तों हमने चैनल बनाते वक्त ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इतनी सक्सेस मिलेगी और आप दोस्तों का इतना साथ मिलेगा। तो दोस्तों, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, आज एक आपको ख़ास बात मुझे कहनी है कि दोस्तों, लॉकडाउन से 2-5-10 दिन पहले पूरी मस्जिद भर जाती थी नमाज के लिए, लोग मस्जिदों में इतनी तेज़ी से आने लगे थे कि ऐसा तो रमज़ान में भी नहीं होता था दोस्तों। और जैसे ही लॉकडाउन पड़ा और मस्जिदें बंद हो गई, अल्लाह के दर बंद हो गए, तो लोग चिल्लाने लगे, लड़ झगड़ने लगे कि मुझे मस्जिद में जाने दो, मुझे नमाज़ पढ़ने दो। दोस्तों, तो इस लॉकडाउन ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई है,
कि नमाज के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तौफीक की ज़रूरत है। और अल्लाह जिस कौम से खफा होता है उससे सजदों की तौफीक भी छीन लेता है दोस्तों। तो आज भी हमारे पास वक्त है, उसकी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं दोस्तों, और आज मस्जिद के दरवाजे भी खुल गए हैं दोस्तों। तो आज हमें खास नमाज के लिए वक्त निकालना ही चाहिए दोस्तों, तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फार करना चाहिए दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि वो पुरानी वाली ज़िंदगी फिर से स्टार्ट ना करें। आज अल्लाह का घर खुल गया है दोस्तों, तो हम नमाज के लिए ख़ास वक्त निकालें और अल्लाह वालों के दर पर जाया करें दोस्तों। इसके अलावा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, इसकी वजह कि ना कोई मैं आलिम हूँ ना कोई हूँ, बस किसी को ख़राब लगता है, बुरा लगता है कि इमरान ये सब कुछ कहता है। और ये मुझे 2-5 लोगों ने कहा कि तुम क्यों ये कहते हो, तो दोस्तों मेरा काम तो ये है बताना। इसकी वजह कि दोस्तों मैं दिल से मानता हूँ कि ये काम हम सबको करना चाहिए, हम सबको ताकीद करनी चाहिए दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि अल्लाह के घर पर जाया करें और अल्लाह वालों के दर पर जाया करें दोस्तों। तो रही ज़िंदगी, तो इंशाअल्लाह इसी तरह से नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का हुक्म। रही ज़िंदगी, तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह।